उसे था, उसका मियाँ था, उसका कर मियाँ ऐसा था, अब उसे था था, परे को जाकर मियाँ कर, परे को जाकर मियाँ कर, दिल्ली कर, उठ जाओगी वो, जल्दी से, हाँ जल्दी, हाँ जल्दी उसे, खाते, खाते, बाल पाल ले तू उसके, बाल पाल ले, बाल उठा देनु कुमार तुलजी जी, उठ जाओ। तो बस बस इसके नहीं, इसके बाल फाड़ दे छोटू के। नहीं खाले बैठ कर। नहीं छोटू की पकड़ी नहीं दादी। अरे बढ़िया है इसे मेरी। चैन। वो नहीं है। उस गंदे है मच्छर खटमल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज है 17 तारीख और ये वीडियो है मेरा 17 तारीख का। तो हाँ, कल जो है वो अनाया का बर्थडे है, यानी कि 18 तारीख को। तो उसी को लेकर के जो है वो घर में साफ़ सफाई चल रही है और इसी तरीके से होता है, क्योंकि देखिए अभी गुन्नू भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि वो मतलब खेल ले, तो बच्ची है उसको भी संभालना पड़ता है। तो बस मम्मी और भाभी जो हैं वो मिलजुल करके काम कर लेते हैं और ये मेरी यहाँ पे आके मैं खुद से वीडियो बहुत कम रिकॉर्ड कर पाती हूँ, बट पाकी ने तो जो है वो काफ़ी अच्छा व्लॉग ये मेरा रिकॉर्ड किया और ये ज़्यादातर वीडियो जो है वो पाखी ने ही शूट किया था। तो बस यहाँ पे मम्मी भी मेरी किचन का जो है वो भाभी क्लीन कर रही हैं और रूम में अंदर ड्रेसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो मम्मी लग रही है, तो बस दोनों कर लेंगे। पाखी और मैं बच्चों को देख रहे हैं। अभी नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है। यहाँ पर जो है वो कविता और मम्मी दे रही है अनाया को दवाई, तो अभी थोड़ा ठीक है, आराम लग रहा है दवाई से। जब से उसकी दवाई करा रहे हैं हम डॉक्टर की, तो काफ़ी ज़्यादा आराम है। मैं भी यहाँ पे नहा के रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है मार्केट पापा के साथ में, कुछ चीज़ें लेकर के आनी है और सामान डेकोरेशन वगैरह का। हमने डेकोरेशन वाले भैया को बुलाया था, उनको दिखाया, तो बस उसी के हिसाब से फिर हमने सोचा हम सामान ले आते हैं और डेकोरेशन हम करा भैया से ही लेंगे। तो ये वाली कुर्ती आप लोगों को मेरी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पे गुन्नू बहुत ज़्यादा ही मस्ती करती है। अभी मैं और मम्मी यहाँ पे बैठे थे तो मम्मी ने बनाई है अभी चाय अपने लिए, मेरे लिए और कविता के लिए। तो बस अभी जो है सारा काम हमारा ख़त्म हो गया है और अभी मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट करा लिए हैं, बस इनके लिए थोड़ी सी केयर अभी मुझे करनी है। थोड़ा मेहंदी वगैरह लगाऊँगी, थोड़ा सा जो है मुझे मेथी दाना और कॉफ़ी का पानी बना के वो सीरम बना करके रखना है ताकि मेरे जो बाल हैं वो हेल्दी हों, नेचुरली हेल्दी हों। और थोड़ा घर की ही जो मेहंदी वगैरह जो होती है वो लगाऊंगी बालों पर। तो बस यहाँ पे मम्मी ने कर दिया है दोपहर का खाना बनाने की तैयारी। पाखी जो है वो अभी गोपाल जी को भोग लगा देगी और गोपाल जी को केले का जो शाम के टाइम में लगाया जाता है ना, तो वो लगा रही है पाखी भोग गोपाल जी को। और मम्मी के जो है मम्मी भी बहुत मतलब जितनी हो पाती है उतनी मम्मी भी काफ़ी सेवा करती है गोपाल जी की। और खाने में दोपहर के बन रही है भिंडी, और भिंडी आपको पता ही होगा पाखी को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे अनाया नहा के सो चुकी है और भाभी ने कपड़े वगैरह सब कुछ धुल दिए हैं, तो बस अभी जो गायें बछिया बछड़ू सब है उनको जो है नहला देंगे और यहाँ पर धुल देंगे। हमारे घर में ना धूप बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि ओपन है, पर मन भी उतना ही लगता है। जब भी हवा चलती है ना तो इतना ज़्यादा मन लगता है, बहुत ही ज़्यादा।
एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो जी, हम नहा धो लिए थे, हमें जाना था बाजार। अभी पापा जी गए हुए हैं कहीं, तो तैयार है। और आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है अपनी। मम्मी अच्छी लग रही है? चलो, मेरी मम्मी ने अगर मेरे कपड़े सुंदर बताए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो सच में मम्मी को मेरे ना कभी कपड़े भाते, कभी मेरे बाल, अब बाल भी नहीं बताए तुमने। अब का मैं पहले ही एक दिन पहले ही जा कर सबसे पहले बाल करवा का ही कुर्तियों पे फिटिंग लगवाई। मैं कहा भैया जा तो फिर कह गी उसकी लंबी नू रह, उसकी नू रह, सब इतनी बढ़िया तरह रह, तू इस तरह रह। भैया अपने घर कैसे ही रहो, पर मम्मी के सामने बढ़िया तरह रहो। इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ा। बस मेहंदी लगानी है बालों में। ए? हाँ, या लाई थी मैडम परे से। अभी यहाँ पे हलवाई भी आ गया है, क्योंकि गुलाब जामुन जो है, जो काले वाले रसगुल्ले होते हैं वो बनवाने हैं। तो यहाँ पे हलवाई वो बना के रख देंगे ताकि कल के लिए ना वो अच्छे से फूल जाए। बस ये कल दोपहर में आकर के जो है वो खाना पीना बना लेंगे। तो बस अभी यहाँ पे हलवाई लग चुके हैं और काम हो चुका है शुरू। काफ़ी टाइम लगता है इन सब चीज़ों में भी, क्योंकि वैसे तो हमने मतलब ज़्यादा बाहर से लोग नहीं बुलाए थे। जो भी है बर्थडे पे जो भी लोग आ रहे हैं, वो सब कुछ आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस दिन का अनाया का बर्थडे है उसी दिन की जो है भैया और भाभी की एनिवर्सरी है। तो दो दो फंक्शन होंगे हमारे एक साथ में ही। समझते नहीं अगर मिलावट मिलावट का होगा। अभी वो नहीं तो अभी तो रस्ते में चूर कर लो। मैं बैठा ना, वहाँ भी मैं वहाँ बैठा ना। चला एक काम कराने को हो गया, मैं दूसरी आवाज मार ली। सारा पानी सभी गेट दो। हाँ, सब गेट दो जो ये बराबर। हाँ, बस ठीक है। हमें क्या बताते थे उच्च सलाद चीनी क्या चीन लाओ एक लीटर पर मालिक अंदर धनिया नहीं चीनी की ना सलाद में मैंने खाने की धनिया बिल्कुल ना ना। मिठाई आई कहाँ से आई है? किस लिए? मंटू पकड़ बेटे पकड़, मैं सलाद काटू। मंटू पकड़ जितने नाक हुआ तो यहाँ पे रसगुल्ले गुलाब जामुन जो है वो बन चुके हैं। और ये दूध गर्म हो रहा है दही जमाने के लिए, क्योंकि रायता बनेगा उस हिसाब से जो है वो जम जाएगी यहाँ पे दही। और काफ़ी अच्छी मतलब ये खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं। हमारे यहाँ पे जब भी कुछ होता है ना, हम इन्हीं को बुलाते हैं, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं सच में। तो बस सब खाना पीना सब अच्छे से जो है वो बन जाएगा कल।
तो जो मीठा था वो बना करके रख दिया है, और यहाँ पे रखा है सामान जो कि मुझे सारा उठा करके रखना है। जैसे कि सफल मटर हैं तो इनको हम रख देंगे फ्रिज में, और बाकी के जितनी भी सब्जियां वगैरह हैं उनको सबको निकाल लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो अलग रख देंगे, और जो बर्थडे का डेकोरेशन का सामान है वो हम अलग रख देंगे। तो जी अभी यहाँ पे वो तो सब कुछ हो गया है, और यहाँ पे सुबह के लिए छोले भिगो के रखे हैं, और जो भी सारी सब्जी है उनको जो है थैले में से निकाल लेंगे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो ख़राब हो जाएगी, इसीलिए जो ये हलवाई के उसकी जो प्लेट ला रखी है ना उसको अच्छे से पोंछ लिया है मैंने, क्लीन कर लिया है, और फिर जो सारी सब्जियाँ हैं वो मैं खोल करके रख दूँगी, क्योंकि ये कल जो है वो इस्तेमाल में आएंगे। आलू प्याज जो है उनकी टोकरी में, आलू प्याज की टोकरी में डाल दूँगी। बाकी की जितनी भी ये सब्जियाँ जैसे कि मूली, धनिया, खीरा, टमाटर, ये सारी ही सब्जियाँ जो हैं वो खोल के अलग करके रख दूँगी और वॉश करके रख देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है साफ़ हो जाए। और बस यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ इस तरीके से जो है वो करके रख दी हैं।